वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू बिंग बैंकर विद निव्या गाइज. माय नेम इज़ निव्या भुवन और आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं अगेन से कुछ मॉडरेट लेवल के रीजनिंग के पजल्स जो कि आपके प्री और मेंस एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. पार्ट फोर हमारा आ गया है. अगर आपने प्रीवियस के थ्री पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर से उन सभी को देख लीजिएगा एंड कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन आप लोग साथ में सॉल्व करते रहें, क्योंकि क्वेश्चन सारे आपके अच्छे लेवल के हैं जो कि आपको प्री में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा अगर आप यहाँ पर से डेली प्रैक्टिस करते हैं. तो चलिए फिर आज का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है. आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करें, देन मैं अभी सॉल्व करवाऊंगी. अच्छा, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक लेटेस्ट जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और मैं इसको सॉल्व करती हूँ. नाउ एट पीपल हैं एंड दे ऑल आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल. तो सबसे पहले तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टेबल की बात हो रही है. सो मान लीजिए अगर हमें पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी तो हम पॉसिबिलिटी ले लेंगे. ओके डन. एट पीपल हैं दैट फोर ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर वाइल फोर मिडिल ऑफ द स्क्वायर. फाइन. सो पहले तो आप चार को बैठा दीजिए कॉर्नर पर, वन टू थ्री एंड फोर, एंड चार बैठ जाएंगे आपके मिडिल पर. ओके डन. डायरेक्शन कौन कहाँ देख रहा है, लेट्स सी कुछ अगर आगे गिवन होगा तो. अच्छा, सब अलग अलग कलर्स पसंद करते हैं. द वन सिट्स ऑन द फोर कॉर्नर फेस द सेंटर. जो कॉर्नर पर बैठे हैं वो सभी सेंटर की तरफ देख रहे होंगे. सो ये रहा आपका जो कि कॉर्नर पे बैठा है. दे ऑल आर सिटिंग इनसाइड. ओके आगे. मिडिल ऑफ द साइड्स फेसेज आउटसाइड. जो मिडिल में बैठे हैं दे ऑल आर फेसिंग आउटसाइड. सो हमने बना लिया, ये तैयार हो गया है हमारा डायरेक्शन. आगे क्वेश्चन आपका जो मेन है ना वो शुरू होता है बी से. बी हु लाइक्स ब्लू फेसेज द सेंटर. बी को ब्लू पसंद है और वो सेंटर. मान लीजिए मैं किसी भी एक सेंटर पे से बी को डालती हूँ और बी को मैंने ब्लू दे दिया. आगे सिट थर्ड राइट ऑफ जी. बी सिट्स थर्ड राइट ऑफ जी. जी के थर्ड राइट में बी बैठेगा. अभी बता दीजिए मैं कहाँ पर डालूँ. अगर मैं जी को यहाँ पर डालती हूँ तो वन टू एंड थ्री थर्ड राइट आ गया. करेक्ट. जी को क्या पसंद है अभी तक तो कुछ पता नहीं है. एफ हु फेसेज द सेंटर लाइक्स ऑरेंज. एफ को भी आप सेंटर दीजिएगा और इसे हम लोग ऑरेंज देंगे. फाइन. सेंटर के लिए हमारे पास अभी तीन तीन पॉसिबिलिटी है तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है. सेंटर लाइक्स ऑरेंज एंड इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी. लीजिए एफ के आजू बाजू में जी नहीं बैठेगा तो फिर एक ही जगह बचता है एफ के लिए, है ना. ऊपर वाला दोनों ही छोड़ देंगे तो फिर नीचे वाला बचा और एफ को ऑरेंज पसंद था, हमने एफ को ऑरेंज दे दिया. आगे ओनली वन पर्सन बिटवीन जी एंड एच एंड दे लाइक पिंक एंड ग्रीन रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स पिंक देंगे जी को एंड ग्रीन देंगे एच को. सो एच को तो ग्रीन देंगे लेकिन एच और जी के बीच में एक आदमी है ये भी पता है. लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं जी के राइट में जाऊँ या जी के लेफ्ट में जाऊँ. तो इस वाले पॉइंट को अभी हम लोग होल्ड पे डालते हैं. आगे पढ़ते हैं क्या है. ई हु डज नॉट लाइक ब्लैक सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी. ई को आप लोग ब्लैक नहीं दीजिएगा एंड ई के लिए क्या बोल रहा है, सेकेंड टू द राइट ऑफ सी. सी के सेकेंड राइट में आपका ई बैठेगा. ओके. नाउ सी हु लाइक्स नीदर रेड नॉर ब्लैक. सी को ना तो रेड दीजिएगा ना ही ब्लैक दीजिएगा. इन दोनों में से कोई भी सी को पसंद नहीं है. ई फेसेज द सेंटर. ओके. ई को सेंटर की तरफ दिखा दीजिएगा. ओके डन. मूविंग ऑन. डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी. बी के आजू बाजू में डी नहीं, मतलब यहाँ पर डी नहीं बैठेगा, यहाँ पर डी नहीं बैठेगा. आगे आई लाइक्स ब्राउन. आई को हम लोग ब्राउन दे देंगे. सो दैट्स ऑल. इतने ही कंडीशन थे हमारे पास में. क्वेश्चन काफ़ी ईजी है एंड क्या क्या एलिमिनेट करना है वो भी आपके सामने में है. तो हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं. हमें ये पता है कि जी और एच के बीच में एक आदमी बैठने वाला है. यहाँ पर से अगर मैं पॉसिबिलिटी लेती हूँ तो अगर जहाँ पर डी को मना किया अगर मैं वहाँ पर एच को बैठा दूँ दिस साइड, अगर मैंने एच को बैठाया एंड एच को ग्रीन पसंद था तो मैंने अगर एच को ग्रीन दे दिया, जी और एच के बीच में एक आदमी आ गया है. आगे देख लीजिए. अभी हम लोग सी और ई का काम कर सकते हैं जहाँ पर मुझे पता है कि ई इज फेसिंग इनसाइड, राइट. सो अगर मैं ई को कहाँ पर डालूँ, अगर मैं ई को यहाँ पर देती क्योंकि ई इज फेसिंग इनसाइड, सी के सेकेंड टू द राइट. सी के सेकेंड राइट जगह अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो जगह नहीं है सेकेंड वाले का. इस साइड अगर मैं देखती हूँ, अगर मैं यहाँ पर सी को डालूँ तो सी के सेकेंड राइट, राइट तो सी का दिस साइड आएगा. दैट मीन्स हमने उल्टा कर दिया. हमें सी और ई को पोजीशन इनका एक्सचेंज करना पड़ेगा तो शायद हमारा बन जाएगा. एक बार इनका पोजीशन आप एक्सचेंज करके देखिए, शायद हमारा आंसर आ जाए, सी और ई का पोजीशन मिल जाए. ओके. अगर मैं ई को यहाँ पे रखूँ और सी को यहाँ पे, देन हो गया सी के सेकेंड राइट में ई. येस वी आर डन गाइज. डी के लिए जगह एक ही बचा है ई और एफ के बीच में और नीचे बैठेगा आई. आई को पसंद क्या था, आई को पसंद था ब्राउन. आई को ब्राउन दे दीजिए. डी और ई, ई के लिए कहा था ब्लैक तो ई को हम लोग ब्लैक दे देते हैं.
सॉरी ओके सॉरी, ई को ब्लैक पसंद नहीं था, तो ई को हम लोग ब्लैक नहीं देंगे, तो ब्लैक किसको जाएगा? ब्लैक फिर जाएगा अगर मैं डी, अच्छा सी को भी ब्लैक नहीं देना है, ई को भी ब्लैक नहीं देना है, तो ब्लैक के लिए बचा कौन? ब्लैक के लिए सिर्फ एक बचा और वो है डी, तो मैंने दे दिया. एंड सी को बोला था रेड नहीं, तो ई को रेड दे दीजिए, और एक जो कलर बच गया है वाइट, वो वाइट हम लोग दे देंगे सी को, एंड दैट्स ऑल गाइज, डन. सो फाइन, ये रहा आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का. आई होप आप लोगों ने भी सेम बनाया होगा. आज का होमवर्क आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसे खुद से सॉल्व करें, एंड इसका जो भी सॉल्यूशन होगा, मैं इसको आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा ना हमारा, वहाँ पर मैं इसे डिस्कस करती हूँ. सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. टेक केयर एवरीवन. हेलो एवरी वन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू बिंग बैंकर विद निव्या. सो ये आपका कुछ नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है अन अकेडमी पर फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त, तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो. क्या क्या बैच है और कौन कौन से एग्जाम पर फोकस किया गया है, चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ. सो अन अकेडमी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर आप भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बेस्ट अभी और कोई हो नहीं सकता, जहाँ पर आपको 70+ एजुकेटर्स मिलने वाले हैं, 98% जो भी बैंक एस्पिरेंट है उनका भरोसा है. तो ज़रूर से आप भी इसे ट्राई करें अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है. काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करके बैचेस लॉन्च किए गए हैं, जैसे आपका रणवीर बैच होने वाला है, देन आपका IBPS क्लर्क अगर टारगेट है तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो. रणविजय बैच जो कि CET के लिए होने वाला है, तो अगर आपका भी टारगेट CET है जो अगले साल होगा, तो आप उसके लिए इस बैच में एनरोल कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर एक बैच में एनरोल करोगे तो आपको सिर्फ वही बैच मिलेगा, नहीं, आपको हर एक क्लास मिलेगा जो भी अन अकेडमी के फ्री या फिर पेड वाले पर अवेलेबल होगा, सब कुछ मिलने वाला है. ना उसके अलावा भी काफ़ी सारे बैचेज हैं, फाउंडेशन बैच अगर आपका बेस क्लियर करना है, एडवांस बैच अगर आपका बेस क्लियर है, कुछ एडवांस क्वेश्चन चाहिए, देन CET के लिए है. मेरा जो भी चल रहा है वो चल रहा है SBI एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो. गुरुकुल बैच वगैरह चल रहे हैं आपके, एंड इसी के साथ आपका आस्क अ डाउट ऑप्शन भी अन अकेडमी लेकर के आया, एक नया आप बोल सकते हो फीचर है, जिसमें आप अपने डाउट्स को अगर लाइव क्लास में आपको पूछ रहे प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप आस्क अ डाउट फीचर का यूज़ करके वहाँ पर से भी आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, वहाँ पर से भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे. इसके बाद कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, सो सिंपल सा कुछ 4 स्टेप में होने वाला है. आप अपने डाउट एंड सॉल्यूशन वाले फीचर में जाइए जो कि आपको अन अकेडमी ऐप पर दिखेगा, उसके बाद आप आस्क अ डाउट पर क्लिक करें, क्रॉप करके अपने इमेज को डाल दें, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा. साथ ही आपका हर संडे को कॉम्बैट होता है सुबह में 10 बजे, आप वहाँ पर ज्वाइन करिए. अगर आपसे कोई भी कोड मांगता है, यूज़ Nivya-6721, इस कोड का यूज़ करके आप लोग वहाँ पर एनरोल कर सकते हो. सो कोड इज़ Nivya-6721. ओके, सो दैट्स ऑल गाइज. अगर बैंक SSC के लिए कॉम्बो पैक है, RRB के लिए, NABARD के लिए अगस्त का स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल पैकेज में. सो ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट टुगेदर.